वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट की दुनिया। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं आपके सामने ईयरिंग का सेट लेकर आई हूँ। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए मोती जो छोटे साइज़ के हैं और उससे थोड़े से बड़े साइज़ का मोती और लेना है। उसके बाद आपको ये चाहिए ब्लाउज़ के हुक, दो गोल्डन कलर के हैं। उसके बाद एक छोटा सा रिंग लेना है जिसे आप तार से भी बना सकते हैं, कोई भी पतला तार होगा उससे बना सकते हैं। आपको दो टॉप्स लेने हैं जिसमें मैंने लिए हैं नग वाले, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए निडल और थ्रेड और आपको सीज़र लेना है। सबसे पहले रिंग लेते हैं, उसके बाद ये हुक लिया हमने ब्लाउज़ का और धीरे धीरे करके एक एक को इस रिंग में लगा दे जाना है। देखिए जिस तरह से मैं इसमें लगा रही हूँ। अब मैंने इसमें 9 हुक लिए हैं और इन 9 हुकों को मैंने रिंग में पिरो के रखा हुआ है और एक फ्लावर का शेप दिया है। अब हमने थ्रेड लगा हुआ निडल लिया है और ये जो हुक का हमने फ्लावर बना रखा है इसमें हम अब मोती लगाएंगे। देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी लगाना। पहले हमने थ्रेड को उसमें बांध दिया है, ये देखिए इस तरह से टाइट करके। अब हमने एक मोती लिया है और इस मोती को इसमें धागे में पिरो के इस तरह से इसको टाइट करके आपको लगाना है। मैं जिस तरह से लगा रही हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, इस तरह से। एक एक मोती को एक एक होल में फिट करना है और हमें मोती का जो साइज़ है वो उतना ही रखना है जितना कि ये जो हुक है हुक के होल में ये बैठ जाए। अब देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है, मोती बैठ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब इन एक धागे को हमें पूरा का पूरा जो मोती है मोती के अंदर से एक पूरा का पूरा लेयर लेना है जिससे आपके जो मोती है वो एक सेट में एक लाइन में आ जाए, क्योंकि सारे मोती इधर उधर हो रखे हैं। तो इन्हें सेट करने के लिए हमें सारे मोतियों को एक लाइन में लेना है। देखिए मैं जिस तरह से हर एक मोती को धागे में पिरो रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया जिसमें हमने मोती अच्छे से लगा लिया, ये देखिए। अब हमें 9 हुक्स और लेने हैं, इन 9 हुक्स को हमें हुक के होल में लगाना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, ये देखिए। हमारा ये हुक लग चुके हैं,
जिस तरह से ऊपर हमने मोती लगाए हैं उसी तरह नीचे वाले पोर्शन में भी आपको मोती लगाना है। देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, आपको भी उसी तरह से लगाना है। अब इस धागे को हमें अंदर वापस से मोतियों के अंदर से होते हुए लेके जाना है ताकि आपका ये जो मोती का जो है एक साथ एक जैसा दिखे। मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुकी हूँ, उसी तरह से आपको इसको भी मोती को पूरा पिरोना है। ये देखिए धागे से हमने इस मोती को अच्छे से पिरो लिया है और ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर लॉक कर देंगे अच्छे से ताकि ये मोती खुले नहीं। ये देखिए हमारा यहाँ तक का इयररिंग कंप्लीट हो गया है और अब हमें ये थोड़े बड़े साइज़ की मोती लेनी है और 5 हुक लेने हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से 5 मोती आपको छोड़ना है और जो 6 मोती है उसका जो नीचे वाला हुक का होल है उसमें हमें इस हुक को एक हुक को लगा देना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। उसके बाद एक गैप छोड़ना है, एक होल को छोड़ते हुए आपको दूसरे होल में दूसरा हुक लगाना है। देखिए इस तरह से लग गया। अब इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें 5 होल छोड़ के 6 में आपको लगाना है। उसके बाद एक गैप और छोड़ना है, उसके बाद दूसरा हुक भी उसमें लगा देना है और बीच में 2 हुक को एक साथ आसपास लगा देना है जिस तरह से मैंने लगाया है। ये देखिए इस तरह से आपको 5 और 5 दो साइड से छोड़ना है, बाकी हुक को आपको इसी तरह से लगा देना है जिस तरह से मैंने लगाया है। बीच बीच में एक एक छोड़ना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये हमारे हुक लग गए हैं। आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। अब हमें क्या करना है, बड़ी वाली मोती लेनी है और उन बड़े वाली मोती को जो नीचे वाला होल है उसमें हमें लगाना है। देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ, उसी तरह से आपको लगाना है। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप इस मोतियों को अच्छे से इसमें लगा सकें। सारे मोती
लग गए हैं और इनके जो नीचे के लटकन हैं वो भी तैयार हो गए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आपको सारे मोती इसमें लगाने हैं। मोतियों को बहुत अच्छे से आपको लगाना है ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए हमारे ये दोनों ईयर रिंग बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से अब इसमें हमें बीच में जो भी आपके मनपसंद टॉप से उसे लगाकर आप इसे पहन सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। हमारे ईयर रिंग्स दोनों बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इस तरह से देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। इसी तरह से मैंने एक लॉकेट भी तैयार किया है। अगर आप भी चाहते हैं तो एक लॉकेट तैयार कर लीजिएगा। इसे मैंने गोल शेप में लिया है। ये देखिए ये कान का मैंने हाफ़ में लिया है और इसको मैंने राउंड शेप में बनाया है। देखिए अगर आप इसे चाहते हैं तो आधे में भी बना सकते हैं। इसे अगर चेन के साथ पहनना है तो चेन के साथ पहनिए, और अगर आपको इसमें मोती के साथ पहनना है तो आप मोती की माला के साथ भी इसको पहन सकते हैं। आपका जैसा मन आए आप वैसे इसको पहन सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरा ये सेट पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये कैसा बना है। और जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक